जाम जहाँ होगा वहाँ पुलिस आपको नहीं मिलेगी जाम को सही करने के लिए। हाय गाइस, मैं हूँ अपना दोस्त गुफाम, आज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लामी खजाने में। और आज सुहाना मौसम है और चल दिए हैं अमरोहा से बहुत दूर, तकरीबन आ चुके हैं हम दिल्ली। और बताना ये चाह रहा था, मजा तब आता है हाईवे पे जब निकले और आपका टैंक हो फुल, देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे। तो चलिए जयपुर में दिखाएंगे आज जयपुर की वादियां, बिन सिटी क्या क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मजा आने वाला है बहुत। और गाड़ी इस वक्त चल रही है 110-111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आ चुके हैं कैमरे, तो हमें करना पड़ेगा स्लो डाउन। अब आप खुद सोचे, 3 लाइन ये रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, पर हमें 100 से डाउन जाना पड़ेगा। ये कैमरे दिख रहे हैं आपको, इन कैमरों की वजह से तो अच्छे भी है, पर इनके लिए कम से कम जो है 120 यहाँ रोड रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 120 नॉर्मल बढ़िया चल रही गाड़ी, कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं है। स्पीड 125, मतलब रोड इतने बढ़िया कर दिए हैं कि महसूस हो ही नहीं रहा है कि गाड़ी कहाँ चल रही है। अगर ये गाड़ी का जो बीप सायरन है वो ना बोले तो पता ही नहीं है। अब आप ये देखिए, आगे जाने के बाद 70 का कैमरा कर दिया है, अब ये क्या फायदा है? अरे 100 चल रहा था, कम से कम 100 रखना चाहिए। अब इसी उससे देखिए आप, ट्रैफिक ये बढ़ता जाएगा, स्लो डाउन हो गई स्पीड 65, और ये देखिए ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए इन्हें कम से कम 100 करना चाहिए, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सोचना चाहिए। पर मैं तो थोड़ी सी स्पीड अप कर लेता हूँ गाड़ी को, क्योंकि मुझे मालूम है कि कैमरा कहाँ है और कहाँ नहीं है यहाँ तकरीबन रोडों पे। अब जो नए लोग हैं आने वाले, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में चलाते हैं कि भाई कैमरा कहाँ है, क्योंकि चलान भी बहुत हैवी है। ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर आ चुके हैं, और ये नज़ारा दिख भी रहा होगा आपको, ये है कूड़े का टेला। ये पहाड़ मत समझिएगा कि हम लोग शिमला नैनीताल आ गए हैं, ये दिल्ली के पहाड़ हैं, दिख रहे हैं। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, देख सकते हैं कि गाड़ी का कितना जबरदस्त जाम दिख रहा है आगे। और कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कर देते हैं ना लोग 70 का, तो उसकी वजह से अब गाड़ी रुक चुकी है बिल्कुल। ये देखिए 3 की स्पीड पे गाड़ी रुक गई है। ये जाम किस बात का है? ये जो आपका कमर्शियल वाली गाड़ियां रहती है ना, तो उनका टोल लिया जाता है, शायद 50 रुपये या 100 रुपये कुछ है इन लोगों का दिल्ली एंट्री पर। तो ये जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जिससे हम लोग चल रहे हैं, तो इनको क्यों रोका जा रहा है? ये ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइन से निकल के जो कमर्शियल व्हीकल है ना वो इधर आ रहे हैं, इसकी वजह से शायद ये जाम है, और कोई वजह नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा ये इधर क्यों आ रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, इनको आगे जाना चाहिए अपनी लाइन में। दिख रहा है आपको बिल्कुल रॉन्ग वे आकर पूरा ट्रैफिक जाम है, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। अगर यहाँ चलान कटने का, रिश्वत लेने का नंबर होगा तो पुलिस सबसे आगे होगी, पर यहाँ नहीं है। जाम जहाँ होगा वहां पुलिस आपको नहीं मिलेगी जाम को सही करने के लिए।